नमस्कार किसान साथियों, मैं अनुप देवांगन आज आपको ये बटेर के चूजे के बारे में बता रहा हूँ। कई किसान फार्मर बटेर के चूजे ले जाते हैं तो उसको बहुत सारा मोर्टिलिटी वगैरह का सामना करना पड़ता है। और आज मेरा एक और फार्मर साथी इसका यही बता रहे थे कि मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो रहा था। मोर्टिलिटी होने का कारण है कि बटेर कोई नया फार्मिंग करता है तो उसके साथ में अधिकांश यही होता है कि वो इसका पानी का सिस्टम और रखने का लाइट वाइट टेम्परेचर वगैरह मैनेज नहीं हो पाता है। और लगता है कि हम सही कर रहे हैं करके, तो मैं इसका दिखा देता हूँ। मैं 5 फुट की लंबाई चौड़ाई पे एक चादर का गोलनुमा बना कर रखा हूँ ब्रूडिंग, और इसमें मैं अपना दिखा देता हूँ। इसमें एक ही लाइट लगा कर रखा हूँ, ये हाइड्रोजन दिख रहा है, और मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। ये बच्चा मैं आज ही 12 बजे करीब डाला हूँ, और बच्चा कहीं पर भी इकट्ठा नहीं हो रहा है, सब बच्चे इधर उधर फैल के हैं। और बटेर के लिए छोटा वाला डिंकर लगा दें वो ज़्यादा बेहतर है। और ये बटेर को देखो, ये बढ़िया मस्त इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, ये इकट्ठा नहीं है, ये सब फैले हुए हैं, ये दाना चुभ रहे हैं इस प्रकार से हैं। और मेरे इस वाले सेक्शन पर यहाँ मैं ये जो चूजा रखा है कड़कनाथ का है, ओरिजिनल देसी का है, और इसमें गिनी पॉग भी है। तो मैं इसका ये बता दूँ, इसका ब्रूडिंग का समय समाप्त हो गया है, पर मैं इसको ना ये वहाँ शिफ्ट था बटेर का बच्चा डाला तब मैं इसको यहाँ शिफ्ट किया हूँ। तो ये मेरा इसको अब यहाँ से हटाने का है, तो मैं बटेर के साथ में इसका गिनी पॉग का भी दिखा देता हूँ करके। यहाँ लाइट नहीं लगा है पर भी ये सब बच्चे सब ये ठीक है। और ये यहाँ मैं जोर से बोल रहा हूँ इसलिए ये गिनी पॉग के बच्चे सब इकट्ठा हुए। और मेरा अब कल के डेट में मेरे पास में टर्की का हैच हो जाएगा, और तो मैं इसको यहाँ से कल हटा दूँगा। ये यहाँ पर मैं टर्की के बच्चे